Hello student, a very fine good morning to all of you. Student, now we have to study lesson 7, chapter name, getting to know about plant. Now, write down chapter name, getting to know about plants. Okay student, this is the chapter name. Students, in this chapter, on previous day we had a study about stem, and we also do activity 3. Now student, we have to do activity 4. Student, in activity 4 we have to take a polybag. एक पॉलीथीन का थैला लेना है एंड वैसलीन एंड अ हेल्दी प्लांट. आपको करना क्या है कि किसी भी हेल्दी प्लांट में सनी डे में व्हेन सनी डे जब सनी डे हो तो आपको करना क्या है किसी भी हेल्दी प्लांट में आपको उसको वाटरिंग करना है. पहले वाटरिंग करना है मीन्स आपको उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको कितना नीड है उसके अकॉर्डिंग उसमें वाटर डालना है, यानी वाटरिंग करना है, उसमें पानी डाल देना है उस पौधे के रूट में. फिर करना क्या है, वैसलीन लेके उसकी कुछ लिप्स पे वैसलीन को अप्लाई कर देना है, उसकी कुछ लिप्स पे वैसलीन अप्लाई करना है. उसके बाद से पॉलीथीन लेके उस जितने लिप्स पे आप वैसलीन अप्लाई किए हो उसको उस पॉलीथीन में टाइट कर देना है, बांध देना है, और आपको इसको ऐसे ही 3 से 4 घंटे तक छोड़ देना है. बट ध्यान रखना, ये जब भी ये एक्टिविटी आप करो तो कब, जब सनी डे हो, ठीक है. और आप क्या करो, आफ्टर 3 or 4 hours व्हेन यू ऑब्जर्व, ओपन द पॉलीथ बैग एंड ऑब्जर्व इन साइड द पॉली बैग, यू कैन फाउंड देयर आर सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर. आप क्या देखोगे जब उसे ओपन करोगे पॉलीथीन को 3-4 घंटे बाद, तो उसकी सरफेस पे पॉली बैग्स का जो सरफेस है उस पर आप वाटर की ड्रॉप्स पाओगे. तो कैन यू टेल मी वेयर दिस वाटर कम फ्रॉम, क्या आप हमें बता सकते हो कि वाटर आया कहाँ से. स्टूडेंट, दिस वाटर कम फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन. आप देखिए, प्रोसेस पौधे में ट्रांसपीरेशन का जो प्रोसेस होता है, इस ट्रांसपीरेशन प्रोसेस में वो प्लांट के जो लीव्स होते हैं वो वाटर को, उनसे वाटर निकलता है. एक तरह से जैसे हमारे बॉडी से स्वेट पसीना निकलता है ना, तो इनमें भी ये क्या करते हैं कि रूट से, आपको पता है कि रूट से स्टीम जो है वाटर कैरी, रूट वाटर कैरी करता है स्टीम तक, स्टीम वाटर को लीफ तक कैरी करता है, और लीफ में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है जिसमें वाटर का होना ज़रूरी है. और उस इस प्रोसेस में जितना उसे वाटर चाहिए उसका तो वो यूज कर लेता है, बाकी जो बच जाता है उसको इसी ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के थ्रू क्या करता है, निकाल देता है, बाहर निकलता है. ओके स्टूडेंट, तो यू हैव टू डू एक्टिविटी 4. दिस इज द होमवर्क फॉर टुडे, एंड नाउ स्टूडेंट यू कीप स्टडी एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक. ओके स्टूडेंट, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी.